वार्ड 50 में मितानिन बहनों ने विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता रैली निकाली और लोगों को इस भयानक रोग के बारे में जागरूक किया। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही कुष्ठ और टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत घर घर सर्वे करके पारिवारिक सदस्यों में इनके लक्षणों की पुष्टि करते नजर आई। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस पर भिलाई शहर में भी अनेकों कार्यक्रम हुए। इसी कार्यक्रम की कड़ी में खुर्सीपार क्षेत्र की मितानिन बहनों ने एक रैली का आयोजन किया। इसके माध्यम से आम जनमानस को एड्स रोग के प्रति जागरूक करते हुए इससे बचाव के उपाय भी बताए। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही कुष्ठ एवं टीवी उन्मूलन योजनाओं के तहत मितानिन बहनें घर घर सर्वे का कार्य कर रही हैं और इस सर्वे में यह जानने का प्रयास कर रही हैं कि किसी के घर में इन रोगों से संबंधित मरीज तो नहीं है। इसके लिए पारिवारिक सदस्यों से इनके लक्षणों के बारे में चर्चा कर रही हैं और लक्षण पाए जाने पर उन्हें चिन्हांकित कर आगे उनके इलाज की प्रक्रिया को उन्हें बता रही हैं। इनके कार्य में सरकारी अस्पतालों में कार्यरत NM भी सहयोग कर रही हैं। विश्व एड्स दिवस पर हुए कार्यक्रम की जानकारी मितानिन ट्रेनर ने न्यूज टीम को दी। साथ ही NM ने कुष्ठ और टीवी के प्रारंभिक लक्षणों के बारे में जानकारी दी। आज 1 दिसंबर है, विश्व एड्स दिवस भी है, तो उस पर भी मितानिन रैली निकाल रही है और अभी हमारा अभियान चल रहा है टीबी और कुष्ठ पर। मितानिन हर घर घर जाकर सर्वे करेगी, जिसमें उन संभावित मरीज को ढूंढ के निकालेगी, चाहे वो टीबी हो चाहे वो कुष्ठ हो। उसमें बच्चे से लेकर बड़ों का सभी का पहचान करेगी टीबी और कुष्ठ में मितानिन। और ये अभियान 1 दिसंबर से पूरा 21 दिसंबर तक चलेगा। टीबी के रोगी जैसे लंबे समय तक खांसी आना, वजन में कमी या लंबे समय तक बुखार आ रहा है किसी को, तो उसका पहचान करेंगे, उसके लिए बलगम का जांच देंगे, अगर पॉजिटिव आया तो उसको टीबी का दवाई चालू करेंगे। कुष्ठ के रोग के लिए है, स्किन में सफ़ेद दाग अगर दिखता है तो उसके पहचान करेंगे, उसको फिर हॉस्पिटल भेज के उसका जांच करवा के MDT दिलाएंगे उसको। सरकार द्वारा लगातार कुष्ठ और टीबी सहित अन्य जानलेवा बीमारियों के बारे में अभियान चलाकर आम जनमानस को जागरूक किया जाता है, जिसमें क्षेत्र की मितानिन बहने और NM का विशेष योगदान देखा जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।